हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर आज मैं लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो जो हमारा बेस था वो था न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, हमने उसका क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखा था। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला हम पहले डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद उनको अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। तो क्योंकि जो मेन बेसिक है इसका वो है क्वाड्रेचर फॉर्मूला, उसी से बाकी सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल ने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला क्वाड्रेचर फॉर्मूला से कैसे निकाला था उसने, कैसे उसका डेरिवेशन किया था उसको देखेंगे। तो न्यूटन कोट्स फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका पूरा डेरिवेशन लास्ट वीडियो में मैंने करवा दिया था आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं उसको। इस फॉर्मूले से ही आगे के हम स्टेप्स को करेंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या किया था इसने, इसने इसी फॉर्मूले में पुटिंग एन इक्वल्स टू वन, देखिए न्यूटन कोट्स फॉर्मूला में हमने क्या किया था, इस ए और बी के बीच में इसको इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रैंड एफ एक्स डी एक्स था। तो इसको हमने एन सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था और वो जो सब इंटरवल्स हमने लिए थे वो इक्वल लेंथ के लिए थे, हर एक सब इंटरवल की लेंथ इक्वल ली थी हमने और उसके लेंथ को हम एच लेकर के चल रहे थे और उसके बाद हमने ये पूरा डेरिवेशन किया था। तो अगर पुटिंग एन इक्वल टू वन मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब आपने लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स नॉट से, देखिए इस तरीके से हमने किया था, ये ए था और ये बी था, ये एक्स नॉट था, फिर अगला एक्स नॉट प्लस एच, फिर एक्स नॉट प्लस टू एच और लास्ट वाली क्या थी, एक्स नॉट प्लस एन एच। ये सब हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो x0 से x0 प्लस nh का मतलब a से b इंटीग्रेशन ही उसको हम बोलेंगे, लेकिन n की वैल्यू जैसे ही हम 1 रख रहे हैं तो x0 प्लस h हो जाएगा, यानी कि जो हमने n सब इंटरवल में इसको डिवाइड किया था उस n सब इंटरवल को हमने फिक्स कर दिया 1। n की वैल्यू ट्रेपेजॉइडल ने 1 रखी थी, हर एक जैसे सिम्पसन का रूल पढ़ेंगे तो उसने 3/8 वन थर्ड रूल, उसके दो रूल थे, उसने एन की वैल्यू को चेंज किया था। तो इन्होंने क्या किया, सबने न्यूटन कोट्स फॉर्मूला के ही डेरिवेशन में एन की वैल्यू को चेंज कर दिया, यानी कि जो उसने सब इंटरवल न्यूटन ने एन डिवाइड करे थे उनको इन्होंने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर एन की वैल्यू वन रखी तो इसका मतलब आप सिर्फ दो इंटरवल की बात कर रहे हो, एक एक्स नॉट है, एक एक्स नॉट प्लस एच। तो क्योंकि एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज किसके करस्पॉन्डिंग आ रही थी, ये सारी वैल्यूज तब आ रही थी जब आपने इनको एन इंटरवल सब इंटरवल में डिवाइड किया था। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन स्टेप यही है इसका कि हमने एन की वैल्यू वन रखी तो इसका मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो जो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूले में सिर्फ दो ही टर्म्स आएंगे, ये एन के ये पहले के दो टर्म्स और इसके आगे के सारे टर्म्स इसमें जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसके आगे के जितने ये हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है सारे जीरो होंगे। तो आपको सिर्फ दो वैल्यू मिलेंगी जब आप एन की वैल्यू वन रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एच वाई नॉट प्लस वन बाई टू डेल वाई नॉट। तो ये सबसे पहला स्टेप है इसका कि जो ट्रेपेजॉइडल ने किया वो ट्रेपेजॉइडल ने इसको एन को फिक्स कर दिया, अब ये बन जाएगा एच वाई नॉट, फॉरवर्ड डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा वाई वन माइनस वाई नॉट एच वाई नॉट माइनस वन बाई टू वाई नॉट, तो वन बाई टू वाई नॉट हो जाएगा प्लस वन बाई टू वाई वन, तो वन बाई टू बाहर ले लेते हैं तो एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई वन आ गया, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम देखते हैं सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम आगे सारे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, अब मैं लिमिट को चेंज करके एक्स नॉट प्लस एच से एक्स नॉट कर दूं तो सिमेट्री से हम आंसर निकाल सकते हैं, एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच लिया था तो यहाँ वाई नॉट और वाई वन आ रहा है, अगर मैं एक्स नॉट प्लस टू एच अब इंटरवल्स को इस तरीके से अगर हम आगे के वैल्यूज़ निकालें, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू निकाली हमने एन की वैल्यू वन रख करके, अब इसी तरीके से अगर हम एक्स नॉट प्लस एच से एक्स नॉट प्लस टू एच का इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें तो यहाँ क्या चेंज आएगा, इसी से आप आइडिया निकाल लगा सकते हैं सिमेट्री से कितना आ जाएगा, ये
एच बाई टू वाई वन प्लस वाई टू, फिर एक्स नॉट प्लस टू एच से एक्स नॉट प्लस थ्री एच अगर हम निकालें एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा एच बाई टू, यहाँ वन और टू है तो वाई वन और वाई टू, यहाँ टू और थ्री है तो वाई टू और वाई थ्री। इस तरीके से ये इक्वेशन फोर हो गई। इसी तरीके से अगर हम निकालें और एक्स नॉट प्लस एन माइनस वन एच से एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि हमको पूरा इंटीग्रेशन, सो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो ए से बी ही निकालनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एच बाई टू वाई एन माइनस वन और वाई एन, ये हो गई इक्वेशन नंबर फाइव। तो ये सारी वैल्यूज हमने, सबसे पहला स्टेप क्या है, एन की वैल्यू वन रखनी है न्यूटन कोट्स फॉर्मूला में, और उसके बाद आप सिमेट्री से बाकी सारे इंटीग्रेशन की वैल्यू एक एक इंटरवल में डिवाइड करके हमने निकाली। अब इन सारे इंटीग्रेशन को अगर हम ऐड करें टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड सो ऑन, ये एन एथ जाएगा वैसे एक्चुअल में, अगर इन सबको ऐड करें हम तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, देखिए पहला एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच एफ एक्स डी एक्स प्लस अगला एक्स नॉट प्लस एच से एक्स नॉट प्लस टू एच एफ एक्स डी एक्स, फिर अगला एक्स नॉट प्लस टू एच से एक्स नॉट प्लस थ्री एच एफ एक्स डी एक्स, और ऐसे करते हुए लास्ट टर्म हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एन माइनस वन एच से एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। ये लेफ्ट साइड हो गई। राइट साइड में देखिए आप क्या क्या आता है, एच बाई टू तो सब में आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या क्या आ रहा है, वाई नॉट प्लस वाई वन, फिर वाई वन प्लस वाई टू, फिर वाई टू प्लस वाई थ्री एंड सो ऑन, लास्ट टर्म वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू वन रखने के बाद जो ये इंटीग्रेशन सब आ रहे थे इन सबको ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो गई, राइट साइड राइट में ऐड हो गई। अब ये रिजल्टेंट हमारे पास इक्वेशन आ रही है, सारे इंटीग्रेंड इक्वल हैं, तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप 1 टू 2 और 2 टू 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये 1 टू 3 इंटीग्रेशन बन जाता है। तो आप देखिए x नॉट से x नॉट प्लस h, फिर x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 3h, ऐसे करते करते लास्ट ये सब इंटीग्रेशन जो है लिमिट जो है कंजिगेटिवली आ रही है, और सब इंटीग्रेशन की लगातार लिमिट्स आ रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस पूरे को कंबाइंड एक इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सिंगल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, लिमिट क्या आ जाएगी लोएस्ट और हाईएस्ट। और आप देखिए एक्स नॉट क्या था, ए था, एक्स नॉट प्लस एन एच बी, तो आपको वही इंटीग्रेशन मिल गया जिसकी वैल्यू आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। राइट साइड में देखिए आप वाई वन वाई वन वाई टू वाई टू वाई थ्री वाई थ्री, सारे टर्म्स दो दो बार आ रहे हैं, सिर्फ पहले टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो h बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन, इसको अलग कर लिया हमने प्लस, या एक काम करते हैं क्योंकि h तो दोनों में आ ही रहा है, अपॉन टू कर दिया, और बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो दो दो बार आ रहे हैं, वाई वन प्लस वाई वन टू वाई वन, वन बाई टू टू वाई वन टू वाई टू टू वाई थ्री और टू वाई एन माइनस वन। तो एच वाई नॉट प्लस वाई एन अपॉन टू, टू कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री से लेकर के वाई एन माइनस वन। ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये ट्रेपेजॉइडल रूल इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करा जाए, इसमें बहुत सिंपल है याद करने का तरीका, h तो वो डिफरेंस है, y नॉट प्लस वाई एन फंक्शन की सबसे पहली वैल्यू और सबसे लास्ट वैल्यू एक साथ आएंगी, उनका हाफ आएगा, और बाकी जितनी वैल्यूज और हैं फंक्शन की वो सारी वैल्यूज एडिशन के फॉर्म में बाद में आएंगी, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू के सम का हाफ है और बाकी सारी वैल्यूज एडिशन में आ रही है, ये ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है।
तो इसमें ट्रेपिजोइडल रूल में कैसे आपको फॉर्म जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेपिजोइडल रूल को कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल आप इसका डेरिवेशन प्रिपेयर करिए और डेरिवेशन करने के बाद ये फॉर्मूला जरूर याद करना है क्योंकि हमको एग्जाम्स में डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो याद करने का तरीका आपको बता दिया, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू के सम का हाफ और बाकी सारी वैल्यूज़ अलग से एडिशन में आ रही हैं, उसको आप प्रिपेयर करें, नेक्स्ट वैल्यू जल्दी ही लेकर आएंगे।